नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों और जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए आज हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद अयोध्या मंदिर में पहुँच के शिलान्यास करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य रजनी शास्त्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी का वंदन हो रहा है और पूजा हो रही है। आइए हम पूछते हैं कि कैसा हर्षोल्लास हिंदू सनातन धर्म के लिए है और आज वो कैसा प्रतीत और कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य रजनी शास्त्री जी। आप बताइए कि आपको आज कैसा प्रतीत हो रहा है। आज हनुमान मंदिर के आप हम खड़े हैं तो कैसा प्रतीत हो रहा है अयोध्या में नरेंद्र मोदी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की हारा हारा महादेव। नम पार्वती पदे हर हर महादेव। ये बड़े उत्साह का दिन है, बड़े उमंग का दिन है। आज पूरे देश में आनंद ही आनंद है। दिशाएं हर्षित है, पुलकित है और जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं राम भगवान, जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। भारत की भूमि, ये पवित्र भूमि भगवान राम की भूमि है। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम की परम कृपा पूरे देश, पूरे राष्ट्र और पूरे समाज पर बने, इसी कामना के साथ जब तक भगवान का शिलान्यास पूजन होगा हम हनुमान जी के श्री चरणों में हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम। तो हनुमान जी को विश्राम नहीं है जब तक राम जी का कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी को हम उनकी शक्तियों का स्मरण करा रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में शांति बने, ये वैश्विक महामारी से सब मुक्त हों और भगवान राम जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होए, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी कामना भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को कहते हैं आप भी दीपदान करें, खुशियां मनाएं, उत्साह मनाएं, यही हमारी कामना है। आचार्य जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, एक स्वयं एक वरदान है। भगवान शिव ने इन्हें बड़ी कृपा, अद्भुत कृपा के साथ इस भूमि पर भेजा है और ये भी हनुमान जी की भांति उसी प्रकार से राम जी के सारे कार्यों को संपन्न कराने जा रहे हैं। तो पहली बार पूरे विश्व को एक ऐसा नेता मिला है जिसने पूरी छाप छोड़ी है और बड़े शांत मन के साथ, सहज भाव के साथ अपने संकल्पों पे पूरी तरह से अडिग रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से पूरा कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और अयोध्या भूमि पर वो मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं तो बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री राम के पेशगार कहे जाते हैं श्री हनुमान जी। 76 पैड़ियाँ हैं हनुमानगढ़ी में। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँचे, 76 पैड़ी उन्होंने चढ़ी, उनका आशीर्वाद लिया, अब वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। तो देशवासियों क्या कहना चाहते हैं? देशवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मंदिर का जो निर्माण हो पूरे विश्व के अंदर शांति बनी रहे और इसमें पूरे आपसी जो भाईचारा है, सद्भावना है, हमारे देश की जो विशेषता है, किसी की भावनाएं कोई किसी प्रकार से कोई भड़काने का प्रयास न करें, आपस में प्रेम प्यार से रहें और भगवान राम जो सबके पूर्वज हैं, देश में नहीं विदेशों में भी अनेक जगह पर भगवान श्री राम की स्तुति पूजा अर्चना होती है। नेपाल के अंदर राम रुचो एक शब्द ऐसा है कि सब अच्छा ही अच्छा है। कोलंबिया में हो, कोडम्बिया में हो, कहीं पर भी हो, भगवान राम जो है सबके आराध्य हैं। तो पूरे विश्व में शांति बनी रही, यही कामना हमारी। एक आप छोटी सी पंक्ति क्या कहना चाहते हैं श्री राम के लिए, श्री राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में? होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही साखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और पंक्ति बस यही है, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का। तो बोलो ओ श्री राम जय राम। तो दोस्तों देखा आपने कितना हर्षोल्लास है यहाँ लोगों में। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, पूरे देश में हर्षोल्लास है और शायद आप भी हर्षित होंगे, पुलकित होंगे, गौरवान्वित होंगे। मैंने दिन कुमार रोड की हब से।